हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिजाइनर लॉन्ग कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से करनी है। कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस कपड़े में से हमें लॉन्ग कुर्ती बनानी है। सबसे पहले हमें कपड़े को एक बार फोल्ड करना है और लेंथ लेनी है। हमें कपड़े को एक बार फोल्ड करना है ऐसे, और हमें लेंथ लेनी है। जैसे कि हम लेंथ ले रहे हैं 47 इंच। इसमें हमने 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। सिल के तैयार ये 45 इंच होगा, 45 इंच, और 3 इंच की हम ऊपर इसमें पट्टी लगाएंगे आर्म होल्स की जगह, तो ये 48 इंच का सिल के तैयार होगा। इसके बाद हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और इसके बाद हमने डबल फोल्ड किया है। हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद अब हम निशान लगाएंगे। और सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, बट ये शोल्डर नहीं है, और शोल्डर हम 3 इंच ऊपर पट्टी लगाएंगे जो इसमें आर्म होल्स की जगह लगाएंगे। तो हम यहाँ से शोल्डर का ही नाप लेंगे। जैसे कि शोल्डर 14 है तो उसका हाफ लेना है 7 इंच, और जो हम आर्म होल्स की लेंथ लेंगे यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। वैसे हम नॉर्मल 7 इंच लेते हैं, पर हम यहाँ पर 4 इंच लेंगे क्योंकि हम ऊपर 3 इंच की सिल के तैयार पट्टी लगाएंगे, तो ये 7 इंच होगा। और हम हाफ इंच की ऊपर कटिंग करते हैं तो ये 6.5 इंच हम शोल्डर आर्म होल्स लेते हैं, तो हाफ इंच हमारा ये सिलाई में चला जाएगा इसमें। तो हमने ये 4 इंच लिया है। और इसके बाद जैसे कि हमारी ब्रेस्ट है 44, तो उसका 4 तो लेंगे हम 11, और 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जो हम यहाँ से वेस्ट का निशान लगाते हैं वो हम 8 इंच लगाते हैं आर्म होल से नीचे की तरफ। और जैसे कि हमारी वेस्ट है 36, तो उसका भी 4th लेना है 9 इंच, क्योंकि हमारा कपड़ा फुल लेयर में फोल्ड है। और यहाँ पे भी हमें 1 इंच ही ऐड करना है मार्जिन के लिए, और इसे हमें ऐसे ऊपर की तरफ मिलाना है। और इसके बाद जो हम तीसरा निशान लगाएंगे वो हम हिप्स का लगाएंगे 5 इंच पर। यदि आप चाहें तो आप इसे 3 या 4 पे भी लगा सकती हैं। और इसके बाद जो हम यहाँ नाप लेते हैं वो हम बेस्ट के अनुसार लेते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट 11 है तो यहाँ पे भी हमें 11 इंच ही लेना है, और यहाँ पे हम 1.5 इंच ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारे साइड से पार्ट्स हैं वो फोल्ड होंगे, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर रहे हैं। यदि साइड में सिलाई लगाते हैं नीचे तक तो हम 1 इंच ऐड करते। और इस तरीके से हमें गोलाई करनी है। और इसके बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ हमें इसे सीधा करना है ऐसे, लास्ट तक हमें इसे सीधा करना है। अब हम आर्म होल्स की कटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें 1.5 इंच लेना है और गोलाई करनी है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की गोलाई के लिए हम एक निशान लगाना है, वो हम लगाएंगे या तो हम ऊपर 3.5 इंच इंची टेप को करके तब निशान लगाएं, या फिर हम नीचे से 3.5 इंच पे निशान लगाएं। हमें नीचे से 3.5 इंच पे निशान लगाना है ऐसे, क्योंकि हाफ इंच हमने ऐड किया है इसमें सिलाई के लिए। और यहाँ से भी हमें हाफ इंच ही लेना है, ऐसे गोलाई कर देनी है क्योंकि ऊपर हमारे आर्म होल्स की जो हम कटिंग करते हैं ऊपर हाफ इंच डाउन करते हैं वो नहीं होगी उसमें, तो इसलिए हमने इसमें ऐड किया है हाफ इंच क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। इसके बाद हमें गला लेना है। जैसे कि हमें गले की लेंथ लेनी है 7 इंच, तो हम ऊपर 3 इंच इंची टेप को निकालना है, और हाफ इंच पे हमने सिलाई के लिए निशान लगाया है तो हमें यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाना है 7 इंच पर।
ये हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो हमारा ये गला 6.5 इंच का सिल के तैयार होगा। और इसके बाद गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो 3.5 इंच ले रहे हैं। और यहाँ पे हमें इसकी गोलाई करनी है ऐसे नीचे से, और इसके बाद ऊपर से जैसे कि हमें ये गोलाई कर लेंगे तो ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ के ऐसे गोलाई करनी है। यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच को छोड़ के हमें ये गोलाई करनी है ऐसे। अब जो हमारी ये कुर्ती है इसकी कटिंग हो गई है, सॉरी ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हम बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे, इसके बाद साइड से कट करना है, और इसके बाद हमें एक पर्दे को अलग करना है, बैक पर्दे को, और फ्रंट पर्दे के आर्म होल्स की कटिंग करनी है। जो हमारी ये कुर्ती है इसकी कटिंग हो गई है, अब हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए हमें बुकरम लेनी है, और जो ये बुकरम की चौड़ाई ली है ये हमने 14 इंच ली है, जितने हमारे जो शोल्डर लिए थे हमने उतनी ही ली है, लेंथ हमने 5 इंच ली है। इसके बाद हमें एक कपड़ा लेना है, और कपड़े को हमने रखा है और सेंटर में कट लगा के एक सिलाई लगा ली है सेंटर पे। और जो हमने कपड़े की लेंथ ली है वो बुकरम से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली है, और कपड़ा बुकरम के बराबर ही लेना है, लेंथ सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और ऐसे हमें इसे रखना है सेंटर पे, एक हम निशान लगाएंगे, और इसके बाद हमें ऐसे इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम इस पूरे में ही सिलाई लगा लेंगे। जो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ बहुत ही इजी है, फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। कट करने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हम इसे सीधा कराएंगे, और सॉरी उल्टा, और यहाँ पे हम 1 इंच पर, 1 इंच पे हम ऐसे निशान लगाएंगे चारों तरफ से, 1 1 इंच लेना है पूरे में ही। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी 1 इंच ही लेना है और निशान लगा लेने हैं। और जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरम है इसे हमें कट कर लेना है। और इसके बाद जो हमारा कपड़ा है इसे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और कट करना है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये हमने उल्टी साइड से बनाया था गले को, तो हम इसे सीधी साइड में फोल्ड कर रहे हैं ऐसे। और इसके ऊपर अब हमें लेस रखनी है। यदि आप लेस नहीं लगाएंगे तो आप पहले ऐसे किनारी पर सिलाई लगा लें, और फिर इसके बाद हमें इस बुकरम पे सिलाई लगानी है। पहले हमारी जो ये गोलाई है हम यहाँ पे कट लगाएंगे, हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो झोल आएगा ऐसे। तो हम पहले जो हमारी ये गोलाई होती है जहाँ पे, हमें वहाँ पे कट कर लेने हैं यहाँ पे, और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें कट करना है। और इसके बाद हमें सिर्फ सिंपल ही कपड़े को फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर। अभी हमें कुर्ती के ऊपर इस गले को नहीं सिलना है, ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे इसे। और ये सिलाई आप बड़े नंबर से लगाएं ताकि आप बाद में इसे निकाल दें। और इसी तरीके से हमें इसे पूरे को ही फोल्ड करना है। इस तरीके से पहले हम फोल्ड कर लेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग आएगी। ऐसे हमने इसे फोल्ड कर लिया है, अब हम इसे ऊपर लेस लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे सिंपल ही रख दें, और ध्यान रखें कि जो हमने गला बनाया है हमने उल्टी साइड में रखी थी, जो हमने कुर्ती रखी थी वो उल्टी साइड से रखी थी और सिलाई लगाई थी, तब उसे हमने सीधी तरफ फोल्ड किया था। और इस तरीके से हमें इस लेस को लगाना है।
और इसके बाद दूसरी सिलाई हम नीचे की तरफ लगाएंगे। देखिए मैंने गले को बना लिया है और इसी तरीके से आप दूसरे गले को बना लें। एक गला मैंने आपको बनाना बता दिया है और सेम ऐसे ही आपको बैक गले को भी बनाना है। देखिए मैंने दोनों गले बना लिए हैं और इसके बाद जो हम इस पर पट्टी लगाएंगे वो हम अलग से तैयार करेंगे। और पट्टी तैयार करने के लिए हमने एक बुकरम ली है, बुकरम की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और लेंथ हम इसकी ले रहे हैं 7 इंच सिंगल में, क्योंकि ये फोल्ड करके 3.5 इंच की होगी और 1/2 इंच हमारा ये सिलाई में चला जाएगा दोनों साइड से। तो ये हमारी 3 इंच की ये पट्टी बचेगी जो फ्रंट पे आएगी और 3 इंच की ही बैक पे आएगी। और ऐसे हमें इसे रखना है। और जो हमने कपड़ा लिया है लेंथ में तो बुकरम के बराबर ही लिया है और चौड़ाई में फोल्ड करके 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 2.5 इंच लिया है हमने। कपड़े को हमें 2.5 इंच लेना है और बुकरम को 2 इंच लेना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर लेस लगनी है। बुकरम को हमें बिल्कुल ही साइड में रखना है और ऐसे लेस को लगाना है और सिलाई लगानी है। इसके बाद हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। इसी तरीके से आप दूसरी पट्टी को कर लें। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसी तरीके से हमें दूसरी पट्टी को तैयार करना है और हम इसे ऐसे लगाएंगे। हमें ऐसे गले की तरफ से रखना है और 1/2 इंच पर ही रख के सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं, कम ज़्यादा नहीं करना। ऐसे 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और ये हमें 3 इंच की लगानी है सिर्फ। और ऐसे हमें रख के सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है ऐसे। ये इसमें हमें 2 सिलाई लगानी है और इसके बाद दूसरी साइड में भी हमें इसे ऐसे रखना है और रखने के बाद सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें बैक पर्दे को लेना है और इसे भी हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरे को भी ऐसे ही लगाना है। और अब हम ये आर्म होल्स बनाएंगे। आर्म होल्स बनाने के लिए हमने एक पट्टी ली है और जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है, 1.5 इंच, और इसे हमें ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। और जब भी हम ये पट्टी लगाते हैं तिरछी तो हम इसे थोड़ा हल्के हाथ से खींच के ही लगाते हैं। और इसी तरीके से हमें लास्ट तक सिलाई लगानी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे और फिर दोबारा से फोल्ड करके फिर हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए मैंने पहले आर्म होल्स को तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप दूसरे आर्म होल्स को तैयार कर लें। एक मैंने आपको तैयार करना बताया था, दूसरा आप तैयार कर लें। हमने दोनों आर्म होल्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें साइड में सिलाई लगानी है और वो हम अपने मेजरमेंट के अनुसार लगाएंगे। जो भी हमारा मेजरमेंट है उसी के अनुसार हमें ये सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसे बैक सिलाई करेंगे ऐसे। हमने ये सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब हम जो हमारे पार्ट्स हैं इनको फोल्ड करेंगे और शुरुआत हमें नीचे से करनी है। देखिए पहले हमें फोल्ड करना है।
और फिर से हमें फोल्ड करना है। हमें इसी तरीके से इसे लास्ट तक फोल्ड करना है, और ध्यान रखें जितना फोल्ड हम पहली बार में करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक करना होता है। और इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है, ये हमें बिल्कुल ही सीधी सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसमें ऐसे साइड में सिलाई लगाएंगे, फिर से हमें इसे दूसरी तरफ से ऐसे ही फोल्ड करना है। अब हमें ये नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें इसे पूरी को ही फोल्ड करना है। इसके बाद हमें इसे नीचे से पहला फोल्ड 1/2 इंच पे और दूसरा फोल्ड 1 इंच पे करना है हमें, और ऐसे हमें सिलाई लगानी है। एक साइड मैंने फोल्ड कर ली है, इसी तरीके से आप दूसरी साइड को फोल्ड कर लें। जो हमारी ये लॉन्ग डिजाइनर कुर्ती थी ये सिल के तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।